दो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन देते हुए शहर का चप्पा चप्पे के ऊपर उसका रेट बताते हुए आ गए हैं हम सेक्टर 108 के अंदर। 114 से हमने शुरू किया और ये सीरीज के अंदर सबको मजा आ रहा है तो लाइक दे दो, जितने भी लोग हैं आज कोई बगैर लाइक के नहीं जाएगा, और सीरियस हो तो हमारे ग्रुप हैं, ग्रुप को भी ज्वाइन कर दो। तो सामने का दृश्य जो हमारे पास है वो है शोभा सिटी का। आज इस सेक्टर से हमें बहुत लर्निंग मिलेगी, दो चीज़ों की लर्निंग मिलेगी, ब्रांड क्यों डिमांड करती है इतना प्राइस और लोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाव भगवान छे तो भाव के हिसाब से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा सामने का दृश्य दिखाता है शोभा सिटी। शोभा सिटी वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर साउथ इंडिया, दुबई नाम तो क्या बात हुई, ब्रांड। अब ब्रांड ने लॉन्च किया 108 109 में, सामने की जमीन है और देखेंगे कि जब लॉन्च किया था तब भी एक्सपेंसिव था, आज 18,000 रुपए का रेट ये प्रपोज कर रहे हैं तो भी महंगा है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर और कोई डिमांड नहीं कर रहा है। 18,000 रुपए और 19,000 रुपए रेट अगर देखा जाए तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का, जहां पे नए लॉन्चेस इस प्राइस के अंदर आ रहे हैं और इनफैक्ट इससे कम प्राइस के ऊपर आ रहे हैं, फुल्ली हैबिटेड एरिया जहां पे आपके रहने का, उठने का, बैठने का, सोने का, नहाने का, गुड़गांव की लाइफस्टाइल, बेस्ट लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड करी जा रही है गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और पुराने गुड़गांव में, जो कि चाम है अभी गुड़गांव सिटी से लोगों को। लेकिन ये देखो शोभा लॉन्च करता है, दिल्ली के बिल्कुल पास में है, ठीक है। पीछे का दृश्य देखो, बंजर जमीन, ना कोई खेती ना कुछ, बिल्कुल साफ पीस ऑफ लैंड, कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चलो 18,000 रुपए के ऊपर आप यहां से बाय करते हो और आपको कुछ इवेंट्स करने हैं, बाहर मिलना है, डेली का बढ़िया लाइफ चाहिए, तो आपको शायद एक कॉन्शेंट मॉल है जो कि वहां पे आपको जाना पड़ेगा। विलाज यहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ रुपए के हैं। 8 करोड़ वाले बंदे को उठ के अगर 20 मिनट ड्राइव करना पड़े कुछ अच्छा खाना खाने के लिए तो आई डोंट थिंक वो पैसे का वर्थ है। बट डिमांड एक ब्रांड की सिर्फ नाम से और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करी, पास ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था, साउथ में बहुत अच्छा काम किया, इनफैक्ट दुबई के अंदर बहुत अच्छा काम करा, तो लोगों का विश्वास आज भी बरकरार है। शोभा के ने एक और लॉन्च करा था जो सेक्टर 80 के अंदर था, 26-27,000 रुपए का रेट डिमांड किया, वहां पे भी लोगों ने आई थिंक 3 BHK था वो सोल्ड आउट है, लेकिन 4 BHK टाइम टाइम फिश लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक कभी कभी जो विजन है ब्रांड की वो या तो ढंग से समझा नहीं पाते हैं या घराट नहीं है उस तरह के, लोगों को लगता है कि ये रेट है तो बाद में ही ले लेंगे ना। 27,000 रुपये एक प्राइस है सेक्टर 80 के अंदर, जहाँ पे अदर ब्रांड जो कि गुड़गांव के अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड हैं लाइक वो भी इतना प्राइस डिमांड नहीं कर रहे हैं, राइट। हमने जो DLF का लॉन्च देखा SPR के ऊपर, वो भी 19,500, 20,500, और कॉन्शियंट का हमने देखा वो भी 14,000 रुपए के ऊपर लॉन्च करा था सेक्टर के अंदर। बट आई थिंक शोभा किसी तरह की रिकमेंडेशन तो इसमें क्या, मैं कौन होता हूँ शोभा के बारे में बात करने के लिए, बट आई सीरियसली फील व्हाट इज़ द सेंस ऑफ बाइंग सच एन एक्सपेंसिव अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे यू नो 18,000 से 20,000 रुपए के अंदर यू कैन स्टे क्लोज टू ऑल द मेजर डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग, राइट। ऐसा भी नहीं है कि यू नो सेक्टर 108 आपने पूरा देखा, बंजर जमीन है पीछे की कोई ऐसा आने वाला है। अगर इस साइड हम देखेंगे 106 के अंदर भी कुछ ऐसा, मतलब
पास के अंदर इतना कोई हैबिटेशन नहीं है कि जहाँ पे यू नो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज या फॉर्च्यून 500 कंपनीज का लाइन लगी हुई, जैसे कि हम इस साइड देखते हैं गोल्फ कोर्स रोड की तरफ, इट्स वेरी क्लोज टू साइबर हब। आपके जितने भी फॉर्च्यून 500 करिए, DLF साइबर सिटी, यूनिटेक साइबर सिटी एंड ऑल बिग कमर्शियल्स, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, लेकिन सारा का सारा क्राउड यहीं आता है काम करने के लिए, राइट? लेकिन फिर भी किसी ने लेना है, 18,000 रुपए के ऊपर हमारे पास डील है, टेक योर कॉल, वी वुड बी हैप्पी टू अकोमोडेट यू, राइट? दृश्य देखने वाला अब यहां से है, तो जितनी भी आपको राइट हैंड साइड पे जमीन दिख रही है, ये है सेक्टर 108, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शोभा की एंट्री यहाँ पे मेन रोड से है और वेस्टर्लीज के प्लॉट है, ठीक है, वहां पे है। बाकी अगर हम ये देखिए, अब ये ड्रोन हमने घुमाया, पीछे बिल्डर ने जमीन ली, लोकेशन अच्छी नहीं है, एज इन एक तो ऑलरेडी सेक्लूडेड एरिया है और सेक्लूडेड एरिया से भी मेन रोड से भी अंदर जाके अगर आपने रिहाइश दी, तो अब सीखने को हमको क्या मिलेगा? इनकी प्राइसिंग देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर आप लोकेशन चूज ढंग की नहीं करते हो और जस्ट इन केस आपने ब्रांड भी अच्छा नहीं चूज करा, तो आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो सामने दिखती हुई तकलीफ आप देखिए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इनफैक्ट आई थिंक कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसने आपको 4% भी रिटर्न दिया हो। 4% तो अगर आप ये पैसा बैंक FD के अंदर रख देते या मतलब तो भी इतना मिल जाता आपको। ये इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी पीछे आप देख रहे हो, चाहे कहीं भी हैं, दे हैव नॉट गिवन यू रिटर्न। इतना तो अगर हम सेंसेक्स में भी डाल देते तब भी मिल जाता। सो वी हैव अराउंड 5 to 6 अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स जिनका अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, जब रिटर्न नहीं दिखती ना तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यार इसमें से कई मरे के घोड़े के लंगड़े घोड़े के खिलाड़ी होते हैं कि यार अच्छा मरा हुआ है तो ये ले लो। मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसा रियल इस्टेट में काम करता है। ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने खुद गलतियाँ करी ऐसी, तो खुद बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, एंडलेस ट्रांजेक्शन्स में बैठ चुका हूँ, और इसलिए एक समझ बनाइए कि यार प्रॉपर्टी मेन रोड की या अच्छे ब्रांड की लेनी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं, लोकेशन प्लस अ गुड ब्रांड रेपुटेशन, राइट, तो तब आपको मिलता है एक अच्छा प्रोजेक्ट, राइट? सो एक प्रोजेक्ट जो कि आ रहा है SPR के ऊपर प्लग इन है, क्योंकि बनता है और आई थिंक SPR के ऊपर MMM हमने पिछली बार भी बताया था, कंपनी बहुत ही प्यारी है और लोकेशन वाइज आई थिंक SPR और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वुड स्टिल डिमांड गुड प्रीमियम इफ़ यू कंपेयर टू अदर लोकेशंस, राइट? द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आई एम सुपर बुलिश एंड वी गोइंग टू टॉक जब हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हिट करेंगे। बट ये जो सामने का दृश्य रहीजा का अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऐसी की ऐसे खड़ी है, और साथ के अंदर जो इन्होंने डिलीवरी भी दी है उसकी पपड़ी झड़ रही है, राइट? रहीजा का हमने पिछली बार भी बोला था कि द बिल्डर दो साइड है बिल्डर की, एक तो बहुत अच्छी साइड जहाँ पे जब नहीं बेचना होता है तो उस ऑफिस में होता है, दूसरी साइड जो बेच चुके होते हैं तो एक दूसरे ऑफिस में बुलाते हैं। बट एनी विच केस आई थिंक बिल्डर, अब आप बहुत समझदार हो जो मेरी ऑडियंस देख रहे हो, तो विदाउट एनी यू नो लाइक किसी को नीचे दिखाते हुए या प्रोजेक्ट को दिखाते हुए, आई थिंक लोकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है, राइट? जिसके लिए आई थिंक जो साउथ ऑफ गुड़गांव है वो इस टाइम इग्नोर हो रहा है। साउथ ऑफ इग्नोर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने एलिवेटेड रोड देखी राजीव चौक से साउथ गुड़गांव के ऊपर, ऐसे सेक्टरों में जाने से पीछे, वो देखो सामने दूर से आपको एक ROF दिख रहा होगा, ठीक है, अंदर की गलियों में जाने से अच्छा, मतलब पूरा घुस के जंगल में घुसने से अच्छा, आप सोना रोड के ऊपर विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनी रेड लाइट,
गोदरेज नेचर प्लस के सामने DDJY के फ्लोर आए हैं नए, एंड आई थिंक दीज आर दे गोइंग टू मेक सेंस. तो आपको क्या लिखना है, SG लिखना है, साउथ गुड़गांव, या सोना भी लिख सकते हो, ठीक है, वो लिख सकते हो. और आई थिंक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स करने से लोकेशन को तो एटलीस्ट आपको प्रायोरिटी मिल ही रही है, और बिल्डर का बैक ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो और पेमेंट प्लान से समझ सकते हो. देखो M3M एक ऐसा बिल्डर है जहाँ पे हमें पेमेंट प्लान की बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और मुझे और ऐसा कोई बिल्डर नहीं मिला मार्केट के अंदर जो उनके टक्कर का सपोर्ट दे पाए, जहाँ पे वी हैव सीन 20-80 प्लान्स. तो मतलब बिल्डर खुद कह रहा है कि 20% ही दो और बाकी पोजेशन पे दे देना. तो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन अपने पैसे से करके आखिरी के अंदर लेना भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है. लेकिन कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो कि इस पेमेंट प्लान का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं. आई थिंक जो मैं सोना रोड की प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, ये उनमें से एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे यू विल फील कि भैया थोड़ा सा अमाउंट देने के बाद बाकी जब आपको घर मिले आप तब पैसे दे सकते हो. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन, मेन हाईवे की रोड के ऊपर प्रॉपर्टी, M3M की भी प्रॉपर्टी जो हमने देखी जो मेन लोकेशन वाइज बहुत ही प्यारी होती हैं. अब ये जो सामने आपको प्रॉपर्टी दिख रही है एक्सपीरियंस, दिस इज वन प्रॉपर्टी जहाँ पे ये कनेक्टेड है आपकी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से, ठीक है. एक हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे के जो मेन रोड की प्रॉपर्टीज हैं या बिल्कुल साथ में लगी हुई हैं, आई एम लाइक ओके 100% आई वुड से गो विद देम. बिल्डर ठीक होना चाहिए, आप जा सकते हो, रिलायबिलिटी ट्रस्ट आपको होना चाहिए. दूसरा फेज आता है जो आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में थोड़ी सी शांति है, बट अभी भी जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से मेन कनेक्टिविटी के साथ चिपका हुआ कोई भी बिल्डर है 100% यू कैन क्लोज, राइट. सो बहुत चौड़ी सड़क के ऊपर प्रोजेक्ट है, गुड बाय, नो प्रॉब्लम, राइट. ब्रांड अच्छी मिल रही है, डबल थम्स अप, गो फॉर इट, आप नुकसान में बिल्कुल नहीं रहोगे. चाहे हमने गोदरेज का पिछला देखा हो प्रोजेक्ट मेन रोड के ऊपर, आई थिंक मेरिडियन जो इनका आया था मेन रोड से थोड़ा सा अंदर था, लेकिन फिर भी उसने मार्केट को डोमिनेट करा. और आने वाले प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं मेन रोड के ऊपर, जिसके लिए अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उनका रेरा नहीं है. तो मेन रोड के जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, आपको अगर इंटरेस्ट करता है तो आपको लिखना है लोकेशन. आप लोकेशन लिख दो, हम समझ जाएंगे कि आपके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लोकेशन लिखो और आप नंबर पे भेज दो. सो वी वुड डिस्कस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशंस, बट प्राइसिंग ज्यादातर आपकी, अगर हम हाई राइज के अंदर जा रहे हैं तो 4 करोड़ प्लस ही जा रही है. 4 करोड़ में भी इनफैक्ट कुछ ढंग का नहीं मिलता है. और जो DDJY एक जो मैंने आपको बताया वो आपका 2 करोड़ से नीचे नीचे 1.5 के आसपास की चीज है, वो देख सकते हो. हाई राइज के ऊपर अच्छी लोकेशन पे 100% 4+ ही है. तो आप मेक श्योर करिए अगर आप लोकेशन देख रहे हो तो 4 करोड़ का आपका बजट हो ही हो. लेकिन अगर आप लोकेशन लिख के भेजते हो, सो व्हाट वी वुड डू इज वी वुड डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज दैट आर कमिंग अप ऑन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशंस, राइट. सो आपको क्या है, आप सारी चीजों को घर पे बैठ के भी समझ सकते हो. एंड अगर आपको मेरे से मिलना है, बात करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम. वैसे हमारी जो सेल्स टीम है बहुत एफिशिएंट है, दे कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट आई वुड लव टू मीट एवरी वन ऑफ यू एंड डिस्कस, राइट, इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग, राइट. तो लोकेशन लिखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन, एंड सेंड इट टू द नंबर, राइट. सो दिस वॉज 108 फॉर यू गाइज. अगला सेक्टर 107, 106 हम आपको मिलेंगे. लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैंने पूरा YouTube छान दिया है. कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको एक सीरीज की तरह पूरे गुड़गांव का चप्पा चप्पा रेट बताते हुए, ऐसी कोई भी हमने प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है जहां पे हमने ऑफर ना दिया हो या फिर हम एक्सेप्ट ना कर रहे हो कि अगर आपको कुछ बेचना है तो दे दो. क्योंकि हमारे बींग अ वर्च्यू कि हम बहुत टाइम से रियल एस्टेट में हैं और कॉन्टीन्यूअसली आप लोगों के प्यार से
डायरेक्ट डील्स हमें मिल जाती हैं, तो लेने देने के लिए ओपन है। इसीलिए अपडेट रहे। ये जो वीडियो आज आप देख रहे हो, कम से कम इसकी वैलिडिटी मुझे लगता है चार महीने से पहले कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं। सो 4 महीने के बाद देख रहे हो ये वीडियो, तो यू शुड चेंज अप। 4 महीने से कम है तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी गुड एंड रियलिस्टिक फॉर यू। गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे। शब बखैर। बाय बाय।